सो गाइस सर्टिफिकेट जो है वो ले लिया, पास सर्टिफिकेट, एंड अंदर काफी अच्छा प्रोसेस था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह हुआ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। आई एम एट पहाड़गंज राइट नाउ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग देखा था, जिन्होंने देखा उनको पता होगा मैंने पहाड़गंज में रूम लिया था। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15 और अभी मैं निकला हूँ NMC के लिए। NMC जो है वो द्वारका सेक्टर 9 पे है। तो मुझे यहाँ से अभी कुछ मेट्रो वगैरह देख रहा हूँ, राजीव चौक यहाँ से है तो वहाँ जा रहा हूँ पहले, और राजीव चौक से फिर मुझे मेट्रो लेनी है। सीनियर ने एक बताया मुझे कि ऐसे ऐसे जाना है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे यहाँ से जाना है अगर कोई पहाड़गंज में रुका होगा तो। जो राजीव चौक है वो कनॉट प्लेस के पास ही है, और कनॉट प्लेस मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर था, तो हम लोग बाय वॉक ही आ गए, और क्योंकि ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गया था वहाँ पे तो ऑटो से लेट हो जाता, इसलिए फटाफट चल के आ गए। एंड यहाँ पे अलग अलग मेट्रो लाइन्स है, ब्लू लाइन, रेड लाइन। जैसे कि मैं एयरपोर्ट से जब इधर आया तब रेड लाइन से आया था, और अभी ब्लू लाइन मुझे लेनी है, तो वो डायरेक्टली मुझे द्वारका सेक्टर 8 या 9 पे पहुँचा देगी। द्वारका सेक्टर 8 से मुझे फिर ऑटो करनी होगी, वहाँ से लाइक 10-15 मिनट्स लगेंगे सिर्फ। वी आर एट राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, एंड ये कूपन जो है, टोकन जो लिया हमने, इसका पड़ा मुझे 50 रुपीज़ ना, है ना राजू, 50 लिया ना इसका, 50 लिया। जैसे आप पीछे देख सकते हो द्वारका लगी हुई है, तो इसके बाद द्वारका 21 आएगी, उसमें मुझे बैठना है, वो डायरेक्टली मुझे सेक्टर 8 पे छोड़ देगी। सेक्टर 8 पे भी आप उतर सकते हो, लेकिन 9 से थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, इसलिए मैं सेक्टर 9 पे उतरा। सो गाइस मेट्रो में हम लोग राजीव चौक से बैठे थे, 7 बजे बैठे थे, और वहाँ से यहाँ आने में सिर्फ लगे 50 मिनट्स। यार हम लोग सोच रहे थे कि 2 घंटा लगेगा, एक्चुअली दोस्त लोग ने बोला मुझे कि 2 घंटे लगेंगे, उनके चक्कर में हम लोग 6 बजे सुबह उठ के निकल गए। हमने ऐसा जंगल टाइप लग रहा है, पता नहीं NBA वालों ने कहाँ जंगल में खोल दिया ऑफिस। अभी हम लोग चाय पी रहे थे, तो चाय वाले अंकल बोल रहे थे सेक्टर 10 नज़दीक है, तो आप लोग जब आएंगे तो सेक्टर 10 वाले मेट्रो स्टेशन पे उतर जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है यहाँ से। सर्टिफिकेट जो है वो ले लिया, पास सर्टिफिकेट, एंड अंदर काफ़ी अच्छा प्रोसेस था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, और देन आगे थोड़े डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जो ओरिजिनल में लेके गया था वो, और चेकिंग के बाद जल्दी से मिल गया, मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे अंदर। एंड कॉम्प्लीमेंट्री में CCD की कॉफ़ी दी है उन्होंने, एंड काफ़ी अच्छा प्रोसेस था, सिंपल, एंड कुछ ज़्यादा परेशान नहीं किया। अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, और सर्टिफिकेट वगैरह मैं घर पर जाके आपको दिखाता हूँ।